मार्गदर्शक, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, प्रदेश के माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, सभी केंद्रीय मंत्रीगण, डेनमार्क तथा यूएई के माननीय मंत्रीगण, प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री द्वय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, श्री ब्रजेश पाठक जी, मंत्रिमंडल के मेरे सभी सहयोगीगण, सभी यहां पर उपस्थित माननीय एम्बेसडर्स, उच्चायुक्तगण, देश और दुनिया के उद्योग जगत के सभी कॉरपोरेट लीडर्स, पॉलिसी मेकर्स, बिजनेस डेलीगेशंस और उपस्थित सभी उपस्थित निवेशक बंधुओं, में आप सबका असीम संभावना वाले इस प्रदेश में उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के आज के इस आयोजन में हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हम सब जानते हैं उत्तर प्रदेश ने विगत 6 वर्ष के अंदर जो कुछ भी उपलब्धि हासिल करने की दिशा में प्रयास प्रारंभ किया है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के मूल मंत्र को अंगीकार करते हुए उनके नेतृत्व और मार्गदर्शन में ही उसे हासिल किया है। आज जब देश अपनी आजादी के अमृत काल के प्रथम वर्ष में प्रवेश किया है, इन स्थितियों में उत्तर प्रदेश को अपना दूसरा इन्वेस्टर समिट और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के माध्यम से वैश्विक निवेशक समुदाय को, पॉलिसी मेकर्स, कॉरपोरेट लीडरशिप, बिजनेस डेलीगेशंस, शिक्षाविदों, पॉलिटिकल एंड गवर्नमेंट लीडरशिप को एक कॉमन प्लेटफॉर्म बनाने का यह मंच उन उपलब्धियों को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने की दिशा में प्रयास का एक अभिन्न हिस्सा है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में नीदरलैंड, डेनमार्क, सिंगापुर, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, इटली, संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड किंगडम और मॉरिशस हमारे पार्टनर कंट्री के रूप में अपना योगदान दे रहे हैं, ताकि दुनिया के तमाम अन्य देशों के प्रतिनिधि इस आयोजन में शामिल होकर के इसे सफल बना करके वास्तव में एक निवेश के महाकुंभ के रूप में इसे एक नया स्वरूप प्रदान किए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए आपके मार्गदर्शन के उपरांत उत्तर प्रदेश के हमारे मंत्रिमंडल के समूह ने दुनिया के 16 देशों की 21 शहरों में रोड शो के आयोजन किए थे। उन सभी देशों में भारतीय मिशन से जुड़े हुए हमारे माननीय राजदूतों ने
उन्हें भरपूर सहयोग देकर के आपके विजन के अनुरूप उत्तर प्रदेश में ट्रेड, टूरिज्म एंड टेक्नोलॉजी के उस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसके साथ ही देश के 10 बड़े महानगरों में भी इन रोड शोज के आयोजन किए गए और आज जब यहां पर आपका मार्गदर्शन हम सबको प्राप्त होने वाला है तो न केवल प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 10,000 से अधिक यहां पर आए हुए उद्योग देश के दुनिया के प्रमुख उद्योगपतियों, निवेशकों तथा बिजनेस डेलीगेशंस की उपस्थिति में, बल्कि उत्तर प्रदेश के सभी 75 जनपदों में भी ये कार्यक्रम एक साथ संचालित हो रहा है। सभी 75 जनपदों में ये कार्यक्रम एक साथ हम लोग आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। इन पूरे कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए हमें यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम, यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल, ईयू इन्वेस्टमेंट इंडिया चैंबर्स, ऑस्ट्रेलियन इंडिया बिजनेस काउंसिल, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज फिक्की, सीआईआई सदर्न इंडिया चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जेट्रो कोटरा अबूधाबी चैंबर्स ऑफ कॉमर्स, इंडो कनाडा चैंबर ऑफ कॉमर्स, कनाडा इंडिया फेडरेशन, इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, पीएसडी चैंबर ऑफ कॉमर्स तथा लघु भारती जैसी प्रमुख सभी व्यापारिक जो बिजनेस पार्टनर्स हैं, इन सब ने उत्तर प्रदेश सरकार के साथ सहयोगी बनकर के इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। प्रदेश के अंदर इस पूरे निवेश महाकुंभ के अवसर पर जो प्रमुख वैश्विक और भारतीय कंपनियों से ग्रीन हाइड्रोजन, रिन्यूएबल एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक्स, डिफेंस एंड इन एरोस्पेस, हेल्थ, फूड प्रोसेसिंग, डेयरी, फार्मा, वेयरहाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स सहित सभी 25 सेक्टर में जिनकी सेक्टोरियल पॉलिसीज उत्तर प्रदेश सरकार ने पहले ही जारी की है, हमें निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। प्रदेश के अंदर निवेशकों की सुविधा के लिए प्रदेश सरकार ने 4 पिलर्स तय किए हैं। इनमें ऑनलाइन सिंगल विंडो पोर्टल निवेश मित्र, 33 विभागों की 406 सेवाएं यह उपलब्ध करवा रहा है। इन्वेस्टर रिलेशनशिप मैनेजमेंट पोर्टल निवेश सारथी, यह निवेशकों की जिज्ञासाओं के समाधान, समस्या निवारण और निवेश परियोजनाओं के अनुसरण की सुविधा दे रहा है। तो नीतियों में प्रावधानित इंसेंटिव को प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन इंसेंटिव मैनेजमेंट सिस्टम को भी विकसित करने के साथ ही हर एक निवेशक के साथ एक प्रदेश के अंदर उद्यमी मित्र की तैनाती करने की व्यवस्था भी इसके माध्यम से हम लोगों ने प्रदेश के अंदर प्रारंभ की है। आपके मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश ने विगत 6 वर्ष के अंदर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में एक अच्छी सफलता प्राप्त करते हुए लीड्स रैंकिंग में अचीवर श्रेणी प्राप्त की है। प्रदेश ने पिछले 5 वर्ष के अंदर अपने निर्यात को भी दुगना करने में सफलता प्राप्त की है। प्रदेश में आज आपके नेतृत्व और मार्गदर्शन में हमारे पास अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है। प्रदेश बेहतरीन कानून व्यवस्था के लिए आज जाना जा रहा है और उत्तर प्रदेश की जो अन्य तमाम संभावनाएं हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश भारत की फूड बास्केट के रूप में जाना जाता है, खाद्यान्न, दूध, गन्ना, आलू व एथेनॉल उत्पादन में प्रदेश देश में नंबर 1 है। वाराणसी का सिल्क क्लस्टर, भदोही का कालीन क्लस्टर, ये प्रमुख टेक्सटाइल हब भी उत्तर प्रदेश के अंदर हैं और इन सभी अन्य सेक्टर्स में
जहां पर प्रदेश के अंदर संभावनाएं हैं उन सबको बढ़ाने के लिए सेक्टोरियल पॉलिसीज इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। प्रदेश के अंदर मेडिकल डिवाइस पार्क, फिल्म सिटी, टॉय सिटी, अपेरल पार्क, हैंडीक्राफ्ट पार्क, लॉजिस्टिक हब, इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप, मेगा फूड पार्क, ट्रांस गंगा सिटी, गारमेंट पार्क और कई प्लेटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स के विकास की कार्रवाई भी प्रदेश के अंदर युद्ध स्तर पर चल रही है। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि पिछले 6 वर्ष में आपके नेतृत्व और मार्गदर्शन में राज्य के औद्योगिक परिदृश्य में जो सकारात्मक परिवर्तन आया है आज वह जमीनी धरातल पर भी दिखता हुआ दिखाई दे रहा है और निवेश महाकुंभ उसकी एक झलक भी प्रस्तुत करता है। इस निवेश महाकुंभ में अब तक हमारे पास 18,643 कुल एमओयू हमारे साथ वर्तमान में हुए हैं और जिनके माध्यम से प्रदेश को अब तक 32,92,000 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव हमें प्राप्त हो चुके हैं, जिनके माध्यम से प्रदेश के अंदर 92,50,000 से अधिक यहां पे नौकरी और रोजगार की संभावनाएं जिनके माध्यम से प्रदेश के अंदर होंगी। ये सभी जो सेक्टरवार प्रस्तावित निवेश है इनमें रिन्यूएबल एनर्जी है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्रियल पार्क, एजुकेशन, मैन्युफैक्चरिंग, वेयरहाउसिंग एंड लॉजिस्टिक, रियल एस्टेट, आईटी एनेबल्ड सर्विसेज, टूरिज्म, टेक्सटाइल, पावर जनरेशन, हाउसिंग, हेल्थ केयर, फूड प्रोसेसिंग, डेयरी, फूड एंड सिविल सप्लाईज, वेस्ट टू एनर्जी, बायोफ्यूल, इन सभी क्षेत्रों में हुआ है। इसके साथ ही सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि पिछले 6 वर्षों के अंदर जो परिवर्तन हुआ है इनमें जो निवेश के प्रस्ताव आए हैं जो उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र और बुंदेलखंड का क्षेत्र आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा माना जाता था, इस निवेश प्रस्ताव में अकेले पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए 9,55,000 करोड़ रुपए के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और बुंदेलखंड के लिए भी 4,28,000 करोड़ रुपए के प्रस्ताव इस अवसर पर हमें प्राप्त हुए हैं। मैं एक बार फिर से आपके यशस्वी नेतृत्व और मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश आज विकास की जिन नई बुलंदियों की ओर अग्रसर हो रहा है, बीमारू राज्य के दंश से मुक्त होकर के देश के ग्रोथ इंजन के रूप में स्थापित करने के आपके विजनरी नेतृत्व में जो एक उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश वासियों को आपने दायित्व दिया है उस दिशा में उत्तर प्रदेश तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। मैं इस अवसर पर अपने सभी इन्वेस्टमेंट पार्टनर्स को प्रदेश के अंदर एक बेहतर प्रशासन और सर्वोत्तम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की सुविधा प्रदान करने का आश्वासन देते हुए आप सभी के आगमन के लिए प्रदेश की जनता की ओर से आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करते हुए आप सबके प्रति सबको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि राज्य सरकार आपके हितों के लिए और अपनी पॉलिसी के अंतर्गत आपको हर संभव सहयोग देने के लिए पूरी तत्परता के साथ कार्य करेगी। जय हिंद।